फेस्टिव सीजन पर आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पाम और सनफ्लावर ऑयल पर एग्री सेस और कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है। इससे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश जारी किया था। स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। राज्यों को कहा गया है कि आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन किया जाए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक सरसों के तेल को छोड़कर अन्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में 3.26% से 8.58% तक की गिरावट आई है। हालांकि सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से कदम उठाए हैं, लेकिन कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक वीवी मेहता का कहना है कि घरेलू बाजार और त्योहारी मौसम में खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटा दिया है। सरकार ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मार्च 2022 तक के लिए कृषि उपकर में कटौती की है। इसके अलावा इन पर कृषि उपकर में भी कटौती की गई है। यह एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, साथ ही एग्री सेस भी घटाया है। कच्चे पाम तेल पर अब 7.5% का कृषि सेस लगेगा, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए यह दर 5% होगी। इस कटौती के बाद पाम पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25%, सोयाबीन पर 5.5% और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर प्रभावी सीमा शुल्क 5.5% होगा। इसके अलावा सूरजमुखी, सोयाबीन, पामोलिन और पाम तेल की परिष्कृत किस्मों पर मूल सीमा शुल्क मौजूदा 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक अधिसूचना में कहा है कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। शुक्रवार को सेबी ने आदेश जारी कर सरसों के वायदा कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। अब स्टॉक लिमिट के आदेश के मुताबिक सभी तेल और तिलहन के विक्रेता, रिफाइंड, प्रोसेसर्स, इंपोर्टर्स पर सीमा लागू रहेगी। इंपोर्ट किए गए तेल के स्टॉक को भी घोषित करना होगा। हालांकि इंपोर्टर्स को सीमा से छूट मिल सकेगी। आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध स्टॉक के आधार पर स्टॉक लिमिट लगाने को कहा गया है। राज्य उपभोग पैटर्न के आधार पर इस बारे में फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।